सभी अध्यापक, आमंत्रित अतिथिगण और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, सबसे पहले मैं क्लस्टर विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी ने की है, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं। जब हम लोग पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, तो वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार अगर मैं मानता था तो वो जिस विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे उसका स्थापना दिवस। स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की, बसंत पंचमी के दिन की। उसकी पूरी पृष्ठभूमि में मैं समय जाया नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है आज के स्थापना दिवस पर हम क्यों इकट्ठा हुए, चाहे विश्वविद्यालय के कुलपति जी हों, प्राध्यापक हों, प्राचार्य हों, विद्यार्थी हों, विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोग हों, मुझे लगता है इस पर हम सबको, आप सबको स्वतः चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने कई बातें कही हैं, मैं बात शुरू करने के पहले मुझे लगता है उस संदर्भ में अपनी दो तीन बातें कह के आगे बढ़ूंगा। जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने अपनी बात रखी तो कुछ चिंताएं व्यक्त की, जिसका काफी हद तक समाधान हमारे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने किया। किसी भी संस्थान को अपने उच्च स्थान पर पहुंचने में 6-7 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, खासतौर से शिक्षण संस्थान जो भी देश में दुनिया में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, समय लगा। मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय की भी आवश्यकताएं हैं, यहाँ के कुलपति जी, यहाँ के प्राध्यापक, यहाँ के प्राचार्य अपने विश्वविद्यालय, अपने महाविद्यालय और अपने विभाग और संकाय के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात यहाँ कहना मैं जरूरी समझता हूँ कि आप देश के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं।